हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका दानादारा ब्लॉग में। तो आज हम आपको लेकर आ गए दिल्ली के एक ऐसी जगह पर जिसको हम सफदरजंग मकबरे के नाम से जानते हैं, और बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही आप सफदरजंग टॉम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको राइट हैंड पे दिखेगा ये मदरसा, और ये पीछे आपको दिखेगी इतनी प्यारी मस्जिद। देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है मस्जिद का। तो फाइनली गाइस, हम कर चुके हैं एंटर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जोरबाग, और यहाँ की जो टिकट है वो आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 गुंबद के साथ मस्जिद कितनी प्यारी लग रही है। हम इसकी बैक साइड पर हैं और नीचे आप जो छोटी छोटी मेहराब देख रहे हैं, ये मदरसा हुआ करता था उस ज़माने में। यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी, बच्चों को इस्लामिक तालीम प्रोवाइड की जाती थी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी दिन है, हम इसका आपको नाइट का व्यू भी दिखाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाउंटेन चल रहे हैं, इसको हम चार सैली बाग भी बोलते हैं, जो कि हुमायूं के मकबरे में भी है। और आप जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इसके, इसको हम मुगल गार्डन बोलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे कैसा है क्या नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हम चलते हैं मेन मकबरे की तरफ और हम आपको चल के दिखाते हैं ऊपर का व्यू कैसा आता है, और इनके बारे में हिस्ट्री बताएंगे और इनका मकबरा अंदर से जाकर आपको एक्सप्लोर कराएंगे कैसा है कैसा नहीं है। देख सकते हैं सनसाइन का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए आते हैं। आप दिल्ली आए हैं और आपको आपने दिल्ली में आके इस जगह को नहीं घूमा, इस जगह को नहीं देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा। ये इतनी खूबसूरत जगह है, देखने लायक है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों जैसे कि आप ये रूम देख रहे हैं, इन रूमों को शुजाउद्दौला जी द्वारा बनवाया गया था, जो कि सफदरजंग जी के बेटे थे। इन रूमों को आराम करने के लिए बनवाया गया था। तो उस टाइम पर यहाँ पर लोग काम करते थे, बहुत सारे मजदूर वगैरह हुआ करते थे, तो उन लोगों का आराम करने के लिए इन रूमों का निर्माण किया गया था शुजाउद्दौला जी द्वारा। और बाकी का हम आपको ऊपर चल के बताते हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू आता है। तो दोस्तों आपको अगर पता नहीं है सफदरजंग कौन थे, तो मैं सफदरजंग के बारे में आपको बताऊंगा। सफदरजंग जो थे भारत के लास्ट मुगल बादशाह जो थे, मोहम्मद शाह, उनके राज में भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1708 में हुआ था ईरान के निशापुर जिले में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो यूपी के सुल्तानपुर में हुई थी। और जो आप सामने देख रहे हैं ये उनका मकबरा है जो आप सामने देख रहे हैं, और इनके मकबरे के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सफदरजंग जी का जो रियल नेम था वो अब्दुल मंसूर मुकीम अली खान मिर्ज़ा था और सफदरजंग, और इनका जो मकबरे का जो निर्माण कराया था उनके बेटे शुजाउद्दौला ने उनकी याद में करवाया था। और आप देख सकते हैं इसमें वाइट संगमरमर का यूज़ हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और आप जो ये ऊपर देख रहे हैं ये सेकंड, इसका फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है। तो इस यहाँ जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से। आपको मैं बाहर जा चल के दिखाऊंगा वो रास्ता। और ये जो है ये मेन कवर नहीं है, इसके नीचे है मेन कवर। ये तो ऊपर से स्ट्रक्चर बना दिया कि हाँ यहाँ कवर है, लेकिन है इसी पॉइंट पर नीचे की साइड में, ये मेन कवर नहीं है, ये उन्हीं की ही कवर है, सफदरजंग जी की कवर है ये। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो गेट है लकड़ी का, ये ऊपर का रास्ता हुआ करता था उस टाइम में, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब ये नहीं पता क्यों बंद किया गया, लेकिन कर दिया।
सफदरजंग टॉम का सबसे प्यारा जो फोटो मतलब फोटो शूट जो आता है वो ये लोकेशन है, ये थाम देख सकते हैं आप, सामने दिख रहा होगा आपको, ये लोकेशन है, यहाँ से आप पूरा मतलब सफदरजंग जो टॉम का जो मकबरा है पूरा बिल्कुल फोटो में आता है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं गुम्बद पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इवनिंग का टाइम हो गया है और हम आपको इसका नाइट का व्यू भी दिखाएंगे कैसा है। नाइट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इस पर लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है और गार्ड जी जो हैं जितने भी लोग कोने कोने में बैठे हैं, जितने भी लोग और कहीं इसके चारों ओर घूम रहे हैं, गार्ड साहब उन्हें बोल बोल कर दूर भगा रहे हैं क्योंकि इसमें लाइट ऑन होने वाली है। लाइट ऑन जब होती है इस पर तो इसके आजू बाजू किसी को नहीं रहने दिया जाता क्योंकि आपको देखो ऊपर भी एक भी पर्सन नहीं दिखेगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं पूरा मकबरा खाली कर दिया है और बैरियर लगा दिए कोई जाने ना पाए क्योंकि लाइट्स ऑन होने वाली हैं। तो इसकी लाइट अब ऑन हो गई है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा ये। अब तो हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइज़।